नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। आप झारखंड में बिहार के तर्ज पर अस्थायी होंगे पारा टीचर, वेतमान मिलेगा टेट नहीं, अब देनी होगी एक परीक्षा। झारखंड के पारा शिक्षक बिहार के शिक्षा मित्र की तर्ज पर अस्थायी किए जाएंगे। बिहार की तर्ज पर यहां भी पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतमान के लिए सीमित आकलन परीक्षा ही लिए जाएंगे। इससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होने पर अस्थायीकरण व वेतमान की बात कही गई थी, वही फिलहाल पारा शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी पर भी विचार हो रहा है। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। 12 अगस्त को इस पर अंतिम निर्णय की संभावना है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विभिन्न पारा शिक्षकों संगठनों के बीच शनिवार को 5 घंटे तक हुई वार्ता में इन मुद्दों पर सहमति बनी। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को इसकी घोषणा की जा सकती है। 11 अगस्त तक नियमावली का ड्राफ्ट बनाने का निर्देश शिक्षा मंत्री ने बैठक में शामिल विभागीय पदाधिकारियों को इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है और 11 अगस्त तक नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल करने को कहा है। 18 अगस्त को शिक्षा मंत्री फिर पारा शिक्षकों के साथ बैठक करेंगे, इसमें नियमावली पर अंतिम निर्णय होने की ही संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा हटिया का हॉकी स्टेडियम, सुविधाएं बढ़ाने में जुटा रेलवे। झारखंड की बेटियों ने ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से अपना जलवा बिखारा तो रेलवे को भी अपने स्टेडियम की याद आने लगी। हटिया के हॉकी स्टेडियम को रेलवे ने एस्ट्रोटर्फ की सुविधा से लैस कर दिया है। इसके बावजूद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कमियां रह गई है। झारखंड की बेटियों के ओलंपिक में कर्तव्य दिखाने के बाद हटिया स्टेडियम को और उन्नत बनाने की योजना पर मंथन शुरू हो गई है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का स्वरूप अब बड़ा होगा, यह नेशनल गेम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी भी खेला जा सकेगा। वर्तमान में स्टेडियम में सारी सुविधाएं नहीं होने और छोटा होने के कारण राष्ट्रीय खेल की भी नियमित मेजबानी नहीं मिल पाती है, लेकिन अब स्टेडियम की गैलरी को बढ़ाया जाएगा। इसका खाका रेलवे द्वारा तैयार कर लिया गया है। नक्सलियों की तबाही की साजिश नाकाम, पुलिस ने बरामद किए 14 IED बम। झारखंड के जमशेदपुर में बोडाम थाना अंतर्गत कोंगा डासा गांव जाने वाले रास्ते में दलमा पहाड़ पर पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। जिला पुलिस ने मौके से 14 IED बम बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 6 केन बम और 8 सिलेंडर बम भी बरामद किए, जिसे रांची से आए बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। मामले की जानकारी देते हुए SSP डॉक्टर M तमिल वानन ने बताया कि पुलिस की ओर से नक्सल अभियान चलाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में कुछ तार बिछे हुए दिखे। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो पाया कि पूरे इलाके में बम बिछाए गए हैं। इसके बाद रांची में बम निरोधक दस्ता से संपर्क किया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंची और सारे बम को निकालकर डिफ्यूज कर दिया। झारखंड में सरकार गिराने के साजिश में 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने के साजिश वाला मामला अब कई दिन पुराना हो गया है, लेकिन ना ये विवाद खत्म हुआ और ना ही इस पर सियासत का कोई अंत दिख रहा है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इससे पहले तक की 3 आरोपी पुलिस रिमांड पर थे। खरीद फरोख्त मामले में जेल भेजे गए 3 आरोपी ज्यादा की 12 जुलाई को रांची के एक होटल में झारखंड पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि विधायकों की खरीद फरोख्त की तैयारी थी और सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद JMM की तरफ से BJP पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि BJP ही कर्नाटक की तर्ज पर यहां भी सरकार गिराने का प्रयास कर रही थी। BJP ने जरूर इस तमाम दावों को बकवास बताया, लेकिन पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी निवारण महतो ने स्वीकार किया कि सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के बदले में उसे 50 लाख देने का लालच दिया गया था। कांग्रेस विधायक के कबूल नामे से बदला केस का रुख, वहीं इस मामले में उस समय भी नाटक के मोड़ आया जब कांग्रेस विधायक ने कहा बिहार झारखंड के बीच फिर चलेंगी 4 पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, देखिए टाइम टेबल। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कोरोना संकट के दौरान बंद की गई ट्रेनों को लगातार बहाल कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की बहाली के क्रम में 10 अगस्त 2021 से अगले आदेश तक बरवा डी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोमो एवं डेहरी ऑन सोन के बीच पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का एक बार फिर परिचालन होने जा रहा है। लेकिन
नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो बरअड्डी और पैसेंजर स्पेशल ट्रेन नंबर 03361 नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमा बरवाडी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 10 अगस्त से अगले आदेश तक प्रतिदिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो से 1 बजे चलेगी और सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए 10:05 में बरवाडी पहुंचेगी। झारखंड सरकार का आदेश, बाहर से आने वाले शिक्षकों और जवानों को 7 दिन रहना पड़ेगा क्वारंटाइन। दूसरे राज्य अवकाश से झारखंड लौटने वाले पुलिस कर्मियों, पैरामिलिट्री बल, होमगार्ड, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जवानों समेत किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में काम करने वालों, किसी भी व्यक्ति शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक को अब 7 दिन की क्वारंटाइन में रहना होगा। पुलिस कर्मियों को होम क्वारंटाइन या पुलिस लाइन में अलग स्थान पर 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वहीं ऐसे व्यक्ति जो अति प्रभावित कोविड क्षेत्र से आए हुए हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की सूचना देते हैं, उनकी जांच कराई जाएगी और जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें जिले के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उपचार कराया जाएगा। उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति नहीं होगी। क्वारंटाइन अवधि में यदि बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, थकान, सांस की समस्या या अन्य स्वास्थ्य समस्या पाई जाती है तो तत्काल पीड़ित व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में आइसोलेटेड करते हुए उनकी कोविड जांच कराई जाएगी। नियोजन नीति में अंगिका, मगही और भोजपुरी को शामिल करने की मांग। खबर झारखंड के गोड्डा से है। झारखंड में सरकारी नियुक्तियों के लिए तैयार नियोजन नीति में पूर्व से चयनित 1 दर्जन क्षेत्रीय भाषाओं को हटा दिए जाने के बाद गर्म हुई सियासत के बीच शनिवार को पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले और उन्हें अंगिका, मगही और भोजपुरी सरी के क्षेत्रीय भाषाओं को नियोजन नीति में शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही विधायक ने राज्य स्तरीय नौकरियों को ओबीसी आरक्षण 27% करने पर जोर दिया है। विधायक ने दोनों ही मांगों से संबंधित 2 पन्ने का पत्र सीएम को सौंपा है। इस पर सीएम ने कहा है कि पूरे मामले को कैबिनेट में रखा जाएगा और राज्य हित में निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने कहा कि झारखंड के पिछड़ों का आरक्षण पर विचार करने एवं राज्य स्तरीय सेवा में जुटे क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ने के संबंध में सरकार गंभीर है। राज्य संवर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में अभ्यर्थियों को राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। साथ ही स्थानीय भाषा ज्ञान भी अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय ऐतिहासिक है, लेकिन इस निर्णय से आरक्षण कोटे का बाहर रखा गया है। इस विचार पर अजय ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के विरुद्ध है झारखंड नियोजन नीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांगठनिक यूनिट झारखंड युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष अजय कुमार हेम्ब्रम ने झारखंड सरकार द्वारा नियोजन नीति को लेकर लिए गए कैबिनेट फैसले को झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए गलत बताया है। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान को आधार मानकर नियोजन नीति बनाते हुए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में आरक्षण की बात कही गई है। कहा है कि झारखंड से मैट्रिक करने वाले को तीसरे और फोर्थ ग्रेड में नौकरी देने की मंजूरी किसी प्रकार से तार्किक नहीं है। उन्हें सवाल करते हुए कहा कि अन्य राज्यों के लोग झारखंड में रहकर अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ लेंगे तो यहाँ के बेरोजगार बेटा बेटियों का क्या होगा? क्या अन्य राज्यों में झारखंड से आने वाले मूल निवासी के बच्चों के लिए संबंधित राज्य इस प्रकार का प्रावधान किया गया है? इस पूरे प्रावधान को झारखंड की युवाओं के विरुद्ध बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सरकार यथाशीघ्र पुनर्विचार करे। कहा कि महज शिक्षा लेना किसी भी प्रदेश में आरक्षण का आधार नहीं है हो सकता। ऐसी परिस्थितियों में झारखंड के बेरोजगार युवकों का हक छीना जाएगा तो बिल्कुल गलत है। न्याय मांग रही छात्राओं पर लाठीचार्ज, शर्मनाक हरकत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देवघर और मधुपुर में धनबाद में छात्रों पर जिला प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका। देवघर में सत्संग चौक पर विभाग संयोजक सौरभ पाठक के नेतृत्व में किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब इंटरमीडिएट की इस बार परीक्षाएं ली ही नहीं गई तो फिर विद्यार्थियों को किस आधार पर फेल कर दिया गया? राज्य सरकार छात्र विरोधी है, छात्रों के भविष्य का साथ ऐसा खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेतृत्व में जब छात्र आंदोलन कर रही थी तो राज्य सरकार के इशारे पर वहां के SDM द्वारा छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया। तानाशाही सरकार के मुखिया हेमंत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। धनबाद के SDM को अविलंब निलंबित कर उन पर कार्रवाई हो, अन्यथा पूरे राज्य में चक्काजाम होगा। आकलन परीक्षा पास नहीं करने पर भी सेवा में बने रहेंगे पारा शिक्षक, नहीं मिलेगा वेतमान, जानिए कितना मिलेगा मानदेय। राज्य के पारा शिक्षक अब सीमित आकलन परीक्षा देकर वेतमान पा सकते हैं। परीक्षा पास नहीं करने पर भी शिक्षकों की सेवा बनी रहेगी। राज्य में बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षकों को अस्थायी करने पर सहमति बनी है। इसके लिए समिति आकलन परीक्षा दी जाएगी। परीक्षा 100 अंकों की हो सकती है। इसमें पारा शिक्षक को 3 अवसर दिए जाएंगे। कोई शिक्षक अगर 3 परीक्षा में शामिल होने के बाद भी सफल नहीं होते हैं तो उन्हें वेतमान नहीं मिलेगा। हालांकि वे शिक्षक के रूप में बने रहेंगे
उन्हें पूर्व की तरह मानदेय मिलता रहेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।